देश के लिए चुनौती बन गई है। देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि डायबिटीज छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रही है। ऐसे में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि छोटे बच्चों में डायबिटीज होने की वजह क्या है, किन कारणों से छोटी उम्र में बच्चे डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, अगर छोटे बच्चों में डायबिटीज हो जाए तो उसके लक्षण क्या हैं? ये सभी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बच्चों में डायबिटीज से जुड़ी हर जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आज की हमारी ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। साथियों, हाल में ही कुछ सालों में बच्चों में भी डायबिटीज का जोखिम बढ़ते देखा जा रहा है। बच्चों में मुख्य रूप से टाइप 1 डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है, पर कुछ बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज भी देखी गई है। कम उम्र में डायबिटीज की समस्या कई तरह की परेशानियों को बढ़ाने के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी प्रभावित करने वाली हो सकती है। दोस्तों, पहले तो हम आपको बताते हैं कि अगर बच्चों में डायबिटीज हो जाए तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, ताकि आपको समय रहते बच्चों में डायबिटीज का पता चल सके। बच्चों में डायबिटीज होने के लक्षण जैसे बार बार पेशाब आना, मूत्राशय में संक्रमण होना, घावों का धीमा उपचार, थकान के साथ धुंधली आंखें, अधिक प्यास लगना, ब्लड में ग्लूकोज का हाई लेवल, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, मिचली और उल्टी के साथ मिजाज। साथियों, अगर आपको अपने बच्चों में डायबिटीज के लक्षण दिखें तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। ऐसे में आप अपने बच्चों को हेल्दी भोजन खिलाएं और हेल्दी भोजन खाने का महत्व भी जरूर बताएं। साथ ही बच्चों को जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड से दूर रखें। अपने बच्चों को खाने के दौरान स्क्रीन से परहेज कराएं। ज्यादा पानी पीने की सलाह दें। ज्यादा फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल का सेवन करना सिखाएं। और सबसे जरूरी, बच्चों को परिवार के साथ भोजन कराएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डायबिटीज जैसी घातक बीमारियों से दूर रहे, तो बच्चों को रोजाना दिन में कम से कम 60 मिनट के लिए फिजिकल एक्टिविटी में शामिल करें। जितना हो सके उसे किसी फिजिकल एक्टिविटी में शामिल करें, ताकि उसकी बॉडी एक्टिव रहे और बच्चा डायबिटीज की बीमारी से बचा रहे। साथ ही बच्चे की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, ताकि ये पढ़ाई में मन लगा सके और लोगों के साथ कनेक्ट कर सके। साथियों, माता पिता को समय समय पर अपने बच्चों की डायबिटीज की जांच करानी चाहिए। बच्चों को अच्छी डाइट दें, उनके ब्लड शुगर के लेवल की समय समय पर जांच कराते रहें। कुछ दिक्कत होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। साथियों, अगर आप समय रहते अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, डायबिटीज के इन लक्षणों पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपका बच्चा यकीनन डायबिटीज का शिकार हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायबिटीज को कभी जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, इसे केवल डाइट और लाइफस्टाइल से कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में अपने बच्चों के खान पान का बेहद ध्यान रखें, ताकि आपका बच्चा डायबिटीज जैसी घातक बीमारी की चपेट में ना आ सके। साथ ही इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो फैटी लीवर की समस्या से परेशान हैं। अगर आप इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।